सनातन धर्म में करवा चौथ के व्रत का है विशेष महत्वपूर्ण। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और ये एक ऐसा मामला अयोध्या के साहबगंज राम जानकी मंदिर का है, जहाँ करवा चौथ पर महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रख रहे हैं। पिछले 40 सालों से एक पति अपनी पत्नी के लिए निराजल व्रत करवा चौथ रख रहा है। वहीं पति सूरजभान पाल और पत्नी आरती पाल का कहना है कि जब से शादी हुई है तो हमारे परिवार में लोग करवा चौथ का व्रत रहते हैं, इसी को देखकर हम लोगों ने भी 40 सालों से व्रत रखते आ रहे हैं। करवा चौथ का व्रत है आज, ये सुहागिन का व्रत है और मैं मिनिमम 40 वर्षों से लगातार कंटिन्यू करती चली आ रही हूँ। ये शुरुआत हमारे जो है करवा ले के आते हैं, मिट्टी का करवा और फूल का करवा। हम लोग वो मतलब सीख और मतलब बतासा खीर और नए चावल चूरा बतासा हम लोग करवा में भरते हैं और पूरी खीर और मिठाई फल इत्यादि हम लोग सब भोग लगाते हैं और वो अपने सासू माँ को देते हैं। और मतलब इस तरीके से हम लोग पूजा को और चांद देख के अर्घ दे के हम लोग पूजा का समापन करते हैं। और हम लोग सवेरे से मतलब जो है व्रत रहती हूँ, नीला जल व्रत रहती हूँ और हम लोग रात में ही अर्घ देने के बाद ही पालन करती हूँ। जो है हमारे हस्बैंड हम लोग को पानी पिलाते हैं तभी हम लोग पालन करते हैं। ये हम लोग अपने हस्बैंड की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए हम लोग ये मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हस्बैंड अच्छे से मतलब दीर्घ आयु तक सुखी रहे। सुहागिन महिला को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर सुहागिन महिला जितने हो सके अधिक से अधिक संख्या में ये व्रत उठाए, अपने दीर्घ आयु अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत करें। मेरे एक तरफ से क्या नाम आपका? आरती पाल है कि हम लोगों की हमारे परिवार में लोग माँ हमारे सब लोग रहते थे, हम लोग उसी को देख के हमारा भी वो रहता था कि जब हमारी शादी हुई तो हम लोग आज 40 साल से हम लोग दोनों मियाँ पत्नी और मैं हम लोग रहते हैं वर्त और हम भी साथ में रहते हैं तो ये चला आ रहा है 40 सालों से। हम लोगों की बहुत बड़ा ये है कि एक पर्व है भगवान का और हमारी वाइफ हमारे उम्र के लिए वो करती हैं तो हम लोग ये कहते हैं जब वो कर सकती तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि परिवार में सब महिलाएं जितनी मेहनत करके वो करती हैं तो फिर हम लोग का भी उत्साह होता है कि हम भी उनका साथ दें, साथ में मिल के और सारे जगत को एक मैसेज जाए कि हाँ भाई औरत रह सकती हैं तो आदमी क्यों नहीं रह सकता। सुबह से हम लोग नहा धो के वो पूजा पाठ में करके फिर उसके बाद व्रत रहती, फिर अपना उनका काम है सारा भगवान की वो करना, शाम को अपना पूजा पाठ करके फिर अपना भगवान का भोग वोग बनाना और फिर शाम को जो अर्घ जब चांद निकलता है तो अर्घ देती है तो साथ में हम लोग पानी पिलाते हैं और उनकी हम भी कहते हैं भाई वो इतनी मेहनत करके इतना सुबह से प्यासी रहती हैं, हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोग तो इंसान ही है, वो भी इंसान है लेकिन हाँ हमको भी पानी पिलाते हैं। हम एक दूसरे को हम लोग पानी पिला के बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि भगवान सब परिवार में सबको सुख और खुशहाल मिले और सब हम चाहते हैं सब खुशहाल रहें। और ये पर्व ऐसा ही साल भर में एक दफ़े आता, हर त्यौहार को हर आदमी को करना चाहिए, हिंदू है तो हर आदमी को करना चाहिए और इसके लिए बहुत बड़ा वो है, इसमें ना कोई भेदभाव है, ये भगवान का ही काम है। जो परम्पराएं में बाप दादा करते आए वो हम लोग भी कर रहे हैं, यही है हमारी शुभकामना है सारे परिवार में सबको। जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।